ओके, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम. सबको मैं वेलकम करता हूँ आज के सेशन के लिए. एंड ये आज मुझे बहुत अच्छा मौका मिला भी, बिकॉज वी हैव गॉट समवन हु इज वेरी वेरी स्पेशल विथ अस, राइट. लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ आप लोगों को. मैं अपना थोड़ा सा अपना परिचय भी दे देता हूँ. माई सेल्फ राजीव शाह, मैं वेस्टइज का ट्रेनिंग मैनेजर, करंटली लुकिंग अप ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट. So, it's always a pleasure to be a part of all the young buddies जो यहाँ पे, मतलब हर जगह पे होता है, लेकिन आज के रेट पे खास करके यहाँ पे देख के मुझे और भी, मतलब क्या बोलते हैं, गार्डन नहीं बोलेंगे, फॉरेस्ट, क्योंकि वेस्टइज के अंदर हम लोग एक ही चीज बोलते हैं, सोचना है तो बड़ा सोचो, तो गार्डन क्यों सोचना है, फॉरेस्ट ही सोचते, राइट. सो इसके साथ साथ मेरे साथ और भी जुड़े हुए त्रिपुरा की SM मिस्टर शोएबल नाग. सो एक बार शोएबल, गुड मॉर्निंग. Good morning, Rajita. Welcome to the show, dear. And thank you. उसके साथ साथ हमारे पास Mr. Shankojit Goswami भी है, but he is थोड़ा सा वो busy है, तो we'll obviously get connected and he will also join us within few minutes, right? And आज के दिन पे जो खास करके जो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है बोलने के लिए, because इस इंसान को बहुत उतना क्लोज नहीं, but फिर भी बहुत क्लोज है. He is someone who is very dynamic. पहली बार जब देखा था, मतलब मैं शंकोजीत, मैं एक कहानी है मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ. दैट इज कि हम लोग गुवाहाटी में VLC कर रहे थे और मैं और शंकोजीत वहाँ पे VLC करने के लिए गए थे. एंड ये जो शख्स है एक्चुअली वो उस VLC के अंदर था, लेकिन हम लोग मतलब इट वॉज वेरी नॉर्मल. दो दिन हम लोग नॉर्मल ट्रेनिंग किए एंड जो सबसे बेहतरीन लगा था, दैट इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, राइट. एंड आई थिंक दैट इज द ओनली रीजन इंसान की तरक्की को बरकरार रख के जाने के लिए इंसान को बहुत मदद करता है बीइंग डाउन टू अर्थ. तो जब लास्ट डे का जब सेशन था, तो वहां पे हर VLC के अंदर हम लोग कुछ टेस्टिमोनीज बनाते, एंड दिस पर्सन एक्चुअली हैज सेट अप अ लॉट ऑफ expectations and at the same time has also put our eyes into tears, right, because of his journey, the way he started. And obviously aap log bhi sunne ke liye betab honge yahan pe, right. And iske liye main welcome karna chahta hu with a big round of applause. Aap kahin pe bhi baithe ho, main chahta hu ek baar big round of applause ho jaye Mr. Abhijit Jamata ke liye from Tripura. Ek baar zordar taali ho jaye. Welcome Abhijit. Thank you so much sir. It's really a pleasure, and I'm really honored to be in this session with you. And it's very very मतलब मैं कल रात को जब 7:30 जब उनसे बात किया कि ऐसा है, तो it was मतलब his answer was very prompt. ठीक है सर, कोई बात नहीं, हो जाएगा. So that is how people feels, right? Obviously दोस्तों हम लोग और भी जानेंगे अभिजीत से, and ये तो it's first starting है, राइट. और मैं चाहता हूँ कि आप लोग और भी जाने अभिजीत को, वो अपना मतलब कुछ क्वेश्चंस है जो मैं जो अभिजीत को करना चाहूंगा. लेकिन उससे पहले मैं अभिजीत, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, मतलब अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, आपकी अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर फैमिली. ओके सर, फर्स्टली आई वुड लाइक टू वेलकम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. एंड फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक सर राजीव, सर शहबाल, सर शंकरजीत फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे ये मौका देने के लिए, ताकि मैं आज यहाँ पे आप लोगों के सामने आके आप लोगों को मेरा जो स्टोरी रहा, यू नो, जो जर्नी रहा वेस्टइज में अब तक का, आपको शेयर कर पाऊँ. तो सर, माय नेम इज अभिजीत जमातिया, राइट नाउ करेंटली स्टार डायरेक्टर एट वेस्टइज. 2 साल पूरा हो गया सर मेरा यहाँ पे, और मैं त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ. त्रिपुरा में एक जगह का नाम है उदयपुर, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ. और अभी मैं 23 साल का हूँ सर, और I started Vestige when I was in like my final year of my college. जब से मैं था 2018 जुलाई को मैंने शुरू किया था, और आज 2 साल पूरा हो गया मेरा यहाँ पे. और if I talk about my family, I come from a very like what shall I say, like very poor middle class family. अभी भी जहाँ पे बैठ के मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, वो एक किराए का घर है, खुद का घर भी नहीं है. तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हूँ मैं, या फिर क्या था मैं. तो अभी भी लाइक बहुत कुछ करना है. और सर, दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ इन शॉर्टली सर. थैंक यू सो मच जमातिया, थैंक यू. एक्चुअली
ये जो सिलसिला है ये 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था, तो अभी आपका लेवल करेंटली क्या है? सर माय करंट लेवल इज स्टार, सर स्टार डायरेक्टर। यू आर अ स्टार डायरेक्टर राइट नाउ। ओके, सो मुझे एक चीज बताओ, मतलब आपने पढ़ाई किया जस्ट राइट, और यस सर जो तुम्हारे सर वॉइस हाँ अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब हम लोग पहली बार मिले थे तो मुझे वो वाला दिन बहुत याद आता है, बट एट द सेम टाइम जमाते हो, व्हाट एक्चुअली अट्रैक्टेड यू टू ज्वाइन नेटवर्क इंडस्ट्री? बिकॉज 23 साल की उम्र में, अगर आप तो 23 साल के हो अभी, इसका मतलब आपने जब आप 21 के थे तब आपने नेटवर्किंग पे ज्वाइन किया था, और वो भी आपकी कॉलेज का लास्ट ईयर था। आई थिंक कि आपने पढ़ाई कहाँ से की अभी मुझे? सर मैंने पढ़ाई शिलोंग से की सर, शिलोंग में एक कॉलेज है सिनॉट कॉलेज बोल के, वहाँ से मैंने मेरा डिग्री परस्यू की सर। तो वहाँ पे अपना डिग्री परस्यू करने के बाद नेटवर्किंग को लेके काम करने का मतलब ये दिमाग में कहाँ से आया? सर लाइक जब मैं थर्ड सेमेस्टर में था कॉलेज का, इनफैक्ट सर वेस्टीज से पहले मुझे ऑलरेडी एक दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिला, और वहाँ पे मैं काम भी किया सर फॉर फ्यू मंथ्स, बट लाइक दैट प्लेटफॉर्म वॉज अ बाइनरी प्लेटफॉर्म, सो लाइक वहाँ पे लाइक सीखा बहुत, लेकिन सर इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, इन टर्म्स ऑफ लाइक कंट्रीब्यूटिंग टू माई टीम, लाइक वो कुछ नहीं हो पाया था सर। सो तब से मैं पूरा नेगेटिव हो चुका था सर, इनफैक्ट टू बी वेरी फ्रैंक यू नो रिगार्डिंग एनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। तो पहले लाइक माई फ्रेंड, मेरा कॉलेज दोस्त ही था, मेरा स्कूल दोस्त ही था, मेरा अपलाइन सर डेनिस, जो पिछली कंपनी में भी मेरा अपलाइन था सर, और वेस्टिज में भी अभी मेरा अपलाइन है, तो उन्होंने मुझे शेयर किया था वो पिछला कंपनी। सो लाइक नथिंग हैपन लाइक व्हाट वी ड्रीम्ड सर, हम लोग ने जो सपना देखा उस कंपनी में नहीं पूरा हो पाया। सो वो फिर से वेस्टिज को लेके जब आया था तो लाइक अगेन लाइक मैंने फिर से उसको हाथ जोड़ के बोला कि फिर से लाइक मेरा काटने के लिए मत आओ, सो यू नो सो आई वॉज बेगिंग हिम टू लाइक नॉट टू कम अगेन एंड पुल मी अप। सो सर नेटवर्क मार्केटिंग में आने का कोई बड़ा मकसद नहीं था सर एज यूजुअल एज लाइक, बट सर वन थिंग जो मुझे अपलाइन से या फिर जो मुझे जब मेरा प्रोस्पेक्ट हुआ था यहाँ पे, एक चीज मुझे यहाँ पे ये समझ में आया कि सर यहाँ पे जो चीज आप 40-45 एज या फिर 50 एज में जो नॉर्मली इंसान नौकरी करके जॉब करके जो अचीव करते हैं सर, यहाँ पे मुझे ये अंदाजा हो गया, ये लाइक दिमाग में ये घुस गया था कि वी कैन अचीव मच मच मोर फास्टर देन व्हाट वी यूज्ड टू अचीव थ्रू जॉब्स और थ्रू एनी काइंड ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस। क्योंकि सर जॉब में लाइक मेरा पापा भी अभी जॉब में है, अभी भी मेरा पापा राइट नाउ ही इज लाइक अ डायबिटिक पेशेंट, लाइक वो अच्छे से चल भी नहीं पा रहे सर, ही इज सिक, ही कैन नॉट इवन वॉक प्रॉपरली, बट सर एवरी सिंगल डे ही हैव टू गो सर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मनी। लेकिन अगर मैं मेरा बात करूँ अभी सर, लाइक वेन एवर आई वॉन्ट अ मीटिंग वी डू एंड वी लव डूइंग द वर्क, बट टूडे इफ आई सी माई फादर लाइक आई डोंट सी हिम हैप्पी, बट ही हैव टू डू इट बिकॉज वो इनकम की वजह से। सो सर आई फील लाइक ये तो क्लियर था कि सर नौकरी में नहीं जाना, और लाइक अगर नौकरी में जाए तो इनकम कमाने का और क्या प्लेटफॉर्म है, बिजनेस तो कभी किया नहीं, फैमिली बैकग्राउंड में कोई बिजनेस तो किया नहीं सर, सो नो लाइक वी डोंट आई डोंट बिलोंग फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, सो बिजनेस करने के लिए पैसे भी चाहिए है, रहता हूँ रेंट के घर पे सर, पैसा तो इन्वेस्ट करना तो दूर की बात है सर, सो यू नो लाइक फॉर मी इट वॉज इम्पॉसिबल टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ अदर बिजनेसेस रदर देन नेटवर्क मार्केटिंग। सो दिस लाइक मेड मी क्लियर, मैंने खुद को क्लियर किया कि अभिजीत यही एक रास्ता है, इससे लाइक अलग रास्ता अभी के लिए तो फिलहाल कुछ नहीं है तुम्हारे लाइफ में, तो लाइक दिस इज व्हाट मोटिवेटेड मी सर टू जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सर। शुभल कुछ पूछना चाहता है, शुभल? हाँ, तो अभिजीत मतलब वही है जो आपने अभी जो स्टोरी बताया था, वो आई थिंक मतलब हम लोग जो बहुत मतलब इंस्पायरिंग है, तो जस्ट मैं एक ही चीज जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने नेटवर्क दूसरे नेटवर्क कंपनी में आप थे उसके बाद आए, तो सबसे मतलब शुरुआत में क्या सबसे मतलब बेस्ट लगा कि मतलब हटके जो हम लोग बोलते हैं ना कि डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो मतलब अगर आप 2-3 पॉइंट में मतलब जानना चाहता हूँ कि क्या मतलब डिफरेंट लगा है जो आप मतलब वेस्टीज को चूज किया। ओके सर, सर यू मीन टू से लाइक कमिंग फ्रॉम दैट अनदर ओल्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी राइट? यस यस यस। ओके ओके सर, ओके सर लाइक जब मैं पिछले नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में था सर, वहां एवरीथिंग वाज देयर, बट सर लाइक दैट बॉन्ड बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन, मतलब वो जो कनेक्शन लाइक मुझे मैं महसूस नहीं कर पा रहा था सर, लाइक आई वॉज नॉट फीलिंग कनेक्टेड, लाइक
इन एनी काइंड ऑफ वर्क और इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस और एनी वेयर सर आई फील मुझे ये लगता है कि सर हम लोगों को लाइक फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी नीड टू कनेक्ट विद द पीपल विद हुम वी आर वर्किंग विद जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं आई फील लाइक वी नीड टू कनेक्ट विद देम सर लाइक अभी आप लोगों के साथ हम कनेक्ट हो पा रहे हैं इसलिए सर इट इज लाइक पॉसिबल फॉर अस टू सिट टुडे एंड हैव अ मीटिंग टुगेदर राइट सर सो उस अलग दूसरे कंपनी में जो पिछला कंपनी था वहां पे लाइक आई वाज नॉट फीलिंग दैट कनेक्शन लेकिन वेस्टीज में जब मैं आया तो एवरीबॉडी वाज लाइक अ फैमिली लाइक जो मैं देख के लाइक बहुत हैरान हो गया कि लाइक यू नो सर लाइक कोई गाड़ी खरीद रहा है और लाइक ये नेटवर्क मार्केटिंग में होता है सर बट वेस्टीज में कुछ अलग ही लाइक अंदाज है सर यू नो लाइक समबडी इज अचीविंग सम काइंड ऑफ अगर छोटा से छोटा चेक भी हो लाइक पीपल आर हैप्पी यू नो अप्लायंस आर हैप्पी तो लाइक मेरा भी यही था कि लाइक दूसरों को हैप्पी देख रहा हूँ जब दूसरों का इनकम आता है हर कोई एंजॉय करता है हर कोई सेलिब्रेट करता है हर कोई सर गाड़ी खरीदता है सर लेकिन वेस्टीज में ही आई थिंक लाइक एवरीबडी सेलिब्रेट्स सो दिस थिंग लाइक रियली मेड मी फील वाओ कि लाइक it is different to isko mujhe aur janna hai sir to you know that is how I started sir it's okay. all the bonds sir you know among the uplines and downlines right. and yeah the environment here you know sir all these things made me you know feel happy and like go ahead in this business so what abhijit mujhe ek cheez puchna hai kyunki as a 21 years of old age jab apne start kiya tha to challenges to shayad hoga शायद नहीं मेरे ख्याल से तो चैलेंजेस तो होगा ही होगा वो 21 इयर्स के बाद मतलब एक उम्र के बाद आपने जो पढ़ाई की है तो लोगों का एक्सपेक्टेशंस होता है घर परिवार का एक्सपेक्टेशन होता है कि बेटा अभी ग्रेजुएशन कर लिया अभी कुछ नौकरी वगैरह कुछ कर लेगा तो हाउ एक्चुअली यू हैव कन्विंस्ड योर पेरेंट्स यू हैव कन्विंस्ड योर द अदर पीपल हु एक्चुअली बिलोंग्स टू यू ओके सर सर लाइक अगर मैं पेरेंट्स का बात करूं तो सर माय पेरेंट्स हैज ऑलवेज बीन सपोर्टिव बट शुरू शुरू में हाँ लाइक जब इसके बारे में मैंने उनको बोला कि लाइक आई एम लाइक डूइंग दिस अलोंग विद माय स्टडीज देन डेफिनेटली दे फेल्ट लाइक कहीं ना कहीं स्टडीज पे इफेक्ट होगा लेकिन सर लाइक दे सॉ दैट सीरियसनेस विद इन मी लाइक आई वॉज नॉट लाइक just getting motivated come back home and become demotivated getting demotivated again I was always motivated I was always telling them sir ki like aap logo ko main jal se jal ek ghar you know bana ke dunga aap logo ko jal se jal ek gari khareed ke aap logo ko you know back seat pe bitha ke aap logo ko ride dunga so I was like always telling them this thing so pehle main like sochi thi ki like ye theek hai excitement mein bol raha hai kuch sun ke aa gaya hoga shayad motivate ho gaya hoga lekin धीरे 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 सर लाइक एज दे सॉ माई ग्रोथ इन हियर देन दे स्टार्टेड सपोर्टिंग और सर चैलेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट वर्किंग आई हैव नॉट स्टार्टेड वर्किंग इन वेस्टीज फ्रॉम माई स्टेट इट्सेल्फ जहाँ पे मैंने लाइक बचपन से लेके क्लास 12 तक जहाँ जिस जगह पे मैं मेरा घर है जहाँ पे मैं पढ़ा इस सर यहाँ पे मैंने वेस्टीज को शुरू नहीं किया था आई स्टार्टेड वेस्टीज इन अ टोटली डिफरेंट स्टेट सॉरी या डिफरेंट स्टेट वेयर like I was there for 2 years so sir wahan pe dikkat hi to bahut hui first problem was like language you know like when we go to people you know jab like remote areas mein jate hai to you know the language that we understand and the language that they understand like wo match nahi karta so like translation karna padta tha kabhi kabhi bak sir aur jaise to main to hostel mein rehta tha sir to hostel ka deadline 6 baje hota tha sir sham ke lekin hum log kaam karte the class khatam hota tha hum log यूनिफॉर्म पहन के सर चले जाते थे सेम एग्जैक्ट लाइक दिस बट विदाउट ब्लेजर क्योंकि तब ब्लेजर भी नहीं होता था सर एक शिलोंग में तब ठंडा है तो स्वेटर होता था तो यूनिफॉर्म पहन के जाता था ताकि हॉस्टल में जाके फिर से क्लास खत्म होकर यूनिफॉर्म ना पहनना पड़े टाइम वेस्ट ना हो ताकि ऑफिस में जल्दी दौड़ के जा सके तो सर वहाँ पे एक स्वेटर होता था मेरा तो उस स्वेटर को मैं पूरा टिल द नेक आई यूज्ड टू पुट अ चेन सो दैट माय फ्रेंड्स डोंट लुक एट मी एंड मेक फन ऑफ मी तो नीचे तो फॉर्मल पैंट फॉर्मल शूज और लाइक चेन देके चला था मैं ताकि सर वो टाई वाई नहीं देखे और मैं ड्रेस इसलिए करके चला था ताकि सर मेरा टाइम वेस्ट ना हो फिर से हॉस्टल जाना फिर से यू नो लाइक चेंजिंग एंड गोइंग टू ऑफिस सो डेफिनेटली सर बहुत चैलेंजेस आया तो रिजेक्शन तो सर पूछो ही मत सर एज एवरीबडी इज फेसिंग क्योंकि नया नया में जब हम लोगों को प्लान शेयर करते हैं तो डेफिनेटली वी हैव नो मच नॉलेज अबाउट इट इतना नॉलेज नहीं होता सर और हम ऐसे ही बोलते जाते हैं ऐसे ही यू नो प्लान दिखाते जाते हैं लाइक विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग्स और सर सच बोलूंगा सर आई विल बी वेरी ट्रू टू यू ऑल दैट अंटिल आई बिकम ब्रॉन्ज डायरेक्टर आई हैव नॉट इवन अटेंडेड इवन वन बीआईपी और इधर वन सीएनटी सर मैंने सिर्फ थोड़ा थोड़ा यूट्यूब में देखा थोड़ा थोड़ा लाइक
हाँ वीआईपी थोड़ा थोड़ा यूट्यूब से सीखा लाइक सीएनटी ऑल दिस थिंग्स. मुझे पता भी नहीं था कि वो वीआईपी ट्रेनिंग होता है सर सीएनटी. मैंने जस्ट काम करते गया और आफ्टर आई बिकम ब्रॉन्ज लाइक देयर इज अ डे आई अटेंडेड योर वीआईपी सेशन एट अगरतला सर. तो या तो ये बहुत एक 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 सही में एक चीज होता है क्योंकि आप जहाँ पे मतलब अपना बचपन गुजारे हो और जो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि सर नेचुरल मार्केट में बिजनेस करना होता है अच्छा होता है पहले पहले शुरुआत में, उसके बाद ओल्ड मार्केट में जा सकते हो जहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंजर मीट वगैरह आते हैं. लेकिन आपने तो पूरा ही स्ट्रेंजर मीट पे ज्यादा फोकस किया. जहां तक मुझे मुझे लगता है कि ये सबके लिए एक सीख होता है कि आपने जहाँ पे अपना बेस बना के रखे, जहाँ पे आप अपने बचपन गुजारे, जहाँ पे आपके हर कोई होता है, रिलेटिव से लेके आपके दोस्तों या आपके स्कूलमेट्स, आपके टीचर, हर कोई आपके नॉर्मल आपके प्रोसेस पे होता है. लेकिन आप बाहर स्टेट में जाके जब वहाँ पे सिर्फ 2 साल रह के आपने अपना टीम बनाया जो कि मेघालय शिलोंग में है. सो इट्स रियली ए वेरी इंस्पायरिंग थिंग बिकॉज मैं हर किसी को व्यूअर को यही कहना चाहूंगा कि देखो अगर आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो जोश है ना, तो आप कहीं पे भी जाके अपना टीम बना सकते हो. लोगों का सोच ये होता है कि लैंग्वेज, जो अभिजीत ने थोड़ी देर पहले बोला कि सर लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर था मेरे लिए, तो उसको भी धीरे धीरे करके ओवरकम करके आज के डेट पे यू आर हैविंग अ फुल फेस राइट. सो अभिजीत इफ यू डोंट माइंड, अभी आपके घर में तो ऑब्वियसली एक अच्छा जगह पे है, आप एक स्टार डायरेक्टर हो, तो अगर इनकम के तौर पे देखे तो मतलब अभी आपका इनकम कितने लेवल पे जा रहा है, मतलब कैसे जा रहा है? सर करंट इनकम सर इट इज लाइक अप्रोक्सीमेटली इन एवरेज सर लाइक 1.5 लाख 1.5 लाख इन एवरेज. 1.5 लाख इवन इन लॉकडाउन राइट? यस सर. व्हाट इज योर हाईएस्ट पेआउट? सर माय हाईएस्ट पेआउट फ्रॉम वेस्टिज वाज इन द मंथ ऑफ लाइक जुलाई 2019 which was like 2,81,460 rupees. Wow, जोरदार ताली हो जाए यार. मतलब 23 years of age and 2 लाख से ज्यादा इनकम करना, ये सही में एक बड़ी चैलेंज होती है बहुत सारे लोगों के लिए. लोग सोचते हैं कि हम लोग स्टार्ट करें कि ना करें, एक इन कंफ्यूजन सिचुएशन में आ जाते हैं. लेकिन ये बहुत ही एक इंस्पायरिंग थिंग है. राजीव दा, जस्ट मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ. या श्योर डियर श्योर. हाँ श्रीवल गो अहेड. या श्रीवल एक चीज मतलब ऐड करना चाहता हूँ. आप एफपी में हमेशा बोलते हो, वो चीज जस्ट आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ. जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना सक्सेस को स्पीड पसंद है, तो अभी जी एक एग्जांपल ऑफ कि सक्सेस को स्पीड पसंद है. Exactly. So, 2 साल के मतलब 2 साल के अंदर 2,81,000. This is not a matter of joke. Exactly. 2 साल के अंदर अभी पर मंथ 1.5 लाख इनकम करना और उसको आगे लेके जाना, and it's really inspiring thing. Right. So, अभिजीत मैं एक चीज पूछना चाहूंगा. अभी अभी आपके घर वाले मतलब how they feel, मतलब what is their feeling? सर मम्मी पापा को छोड़ के तो like मम्मी पापा तो हम बहुत खुश है सर, बहुत प्राउड है. और क्लोज रिलेटिव्स जो दीदी लाइक कजिन सिस्टर्स लाइक मोस्ट ऑफ देम आर हैप्पी, बट सर द रेस्ट ऑफ द रिलेटिव्स पता नहीं लाइक दे आर वेटिंग फॉर मी यू नो सर दैट कब तक यू नो. सो नथिंग डूइंग सर. और आपके दोस्त जो पहले रिजेक्शंस करता था या फिर जो मना करता था, अभी अभी उनके साथ क्या आपके आपके कोलैबोरेशन हो गया? अभी दे आर इनटू वेस्टिज राइट सर? कुछ कुछ हुआ सर. लाइक अगर मैं बात करूं जब मैंने शुरू किया था सर, आपको भी पता होगा सर, मैंने उस दिन बीएलसी में भी बोला था सर कि जब मैं हॉस्टल में था लाइक इन माय 5th सेमेस्टर इन सिनॉट कॉलेज बॉयज हॉस्टल, तब सर मेरे रूम के पास ही मेरा बहुत लाइक जूनियर्स लोग रहते थे. तो लाइक जब वो लोग मुझे देखते थे ऑफिस से लौटते हुए यू नो पसीना एकदम यू नो डर्टी लाइक शर्ट्स और पूरा सर ये व्हाइट कलर का शर्ट है ना सर, ये येलो हो जाता था. तो हम देख रहे लाइक लाफ एट मी एंड से लाइक ये येलो वेस्टिज हेडक्वार्टर आ गया. सो यू नो लाइक तो यू नो लाइक अभी वो लोग भी वेस्टिज में है, लेकिन यू नो सर लाइक होता है ना कि सर कि अगर इंसान का लाइक अगर डेस्टिनेशन
लाइक सेट ना हो, क्योंकि सर रास्ता जितना भी अच्छा हो, सर अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई फील इज दैट रास्ता जितना भी अच्छा हो, गाड़ी जितना भी लग्जरी गाड़ी हो सर, पेट्रोल जितना भी गाड़ी में ज्यादा हो, लेकिन अगर लाइक डेस्टिनेशन सेट नहीं है ना सर, तो गाड़ी दो तीन कदम ही जाएगा लेकिन लौट जाएगा फिर से सर. सो दैट इज लाइक व्हाट इज हैपनिंग. लेकिन जो लोग क्योंकि सर हर किसी ना किसी का अलग अलग पर्पस होता है सर, दैट वी कैन नॉट हेल्प. तो कोई कोई एमबीबीएस में है फ्रेंड्स, कोई कोई इंजीनियरिंग में है, तो लाइक इवन इफ दे आर नॉट हियर बट स्टिल लाइक दे आर प्राउड एंड दे आर सपोर्टिंग सर टोटली. अभिजीत मुझे एक चीज जानना है, हाउ वाज योर इनिशियल डे जब आप मतलब एज बिकॉज यू बिलोंग टू योर फैमिली जहाँ पे सही में बहुत सारे प्रॉब्लम थी, जहाँ पे चैलेंजेस था, मतलब आप हॉस्टल में रहते थे, तो हाउ योर फैमिली यूज टू मैनेज एंड हाउ यूज टू मैनेज योर सेल्फ, बिकॉज ये एक बहुत ही मेरे ख्याल से दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एवरीबडी. बिकॉज घर में तो सपोर्ट मिलता था, लेकिन एज बिकॉज यू हैव मेंशन की मतलब फैमिली में उतने ज्यादा पैसे वाला नहीं थे वहां पे, मतलब कुछ सपोर्ट करने वाला नहीं थे, तो हाउ मतलब आपकी कुछ, देखो हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे वो एक चीज होता है जिसको मैं बोलता हूँ पेन, राइट. अभी आप मुस्कुराते हो, लेकिन कभी कभार मुझे आई स्टिल रिमेम्बर दोज डेज समटाइम्स जब मैं आपसे बात करता था, आई यूज टू रिमेम्बर एंड दैट इज वेरी इंस्पायरिंग. मैं सब व्यूअर के लिए मैं वो सुनना चाहता हूँ एक बार कि हाउ द जर्नी हैज स्टार्टेड, बिकॉज ये जो जर्नी था ना, आपके घर वाले आपको ऑब्वियसली आपको बहुत प्यार करते थे, जो आपको कॉन्फिडेंस भी देता था, लेकिन हॉस्टल में सिलोंग में जाके रहना इज क्वाइट एक्सपेंसिव, ये एक बात है, राइट. एंड उसके साथ साथ अपने आप को मेंटेन करना, उसके साथ साथ अपने बिजनेस को स्टडीज के ऊपर देखना, उसके बाद अपने बिजनेस को डेवलप करना, हाउ यू यूज्ड टू मैनेज ऑल दोस थिंग्स सर. ओके, सो लाइक फैमिली से तो ठीक है सर, क्योंकि मैंने ज्वाइन किया त्रिपुरा में, लाइक तब वेकेशन चल रहा था, फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन खत्म हो गया था, तो हमको लाइक डेढ़ महीने का लाइक समर ब्रेक मिलता था, तो सर तब मैंने लाइक ज्वाइन किया था. लेकिन दो महीने सर नो वर्क नथिंग, जस्ट सेल्फ परचेज. माई फर्स्ट परचेज वॉज सर 513 रुपीज का 16 PB मिला. आप लाइन ने बोला कि 30 PB चाहिए एक्टिवेशन, तूने तो बोला लाइक ज्वाइन करते ही एक्टिवेट, तो यू नो ऑल दिस थिंग्स सर पहले पहले होता था. लेकिन लाइक व्हेन आई वॉज इन हॉस्टल सर, लाइक फर्स्ट थिंग सर, लाइक व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट सर, जब हमारा लाइक पर्पस या फिर जो लाइक क्या चाहिए अगर वो क्लियर है सर, इफ दैट इज क्लियर देन लाइक थिंग्स टेंड टू गेट मैनेज बाई इटसेल्फ. क्योंकि सर सर इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर में आई वॉज वन ऑफ द क्लास रिप्रेजेंटेटिव एंड आई वॉज वन ऑफ द लाइक मेंबर ऑफ स्टूडेंट काउंसिल इन माई कॉलेज. सो तब मुझे लाइक एज अ यू नो असिस्टेंट जनरल मैनेजर वहाँ पे एक स्टूडेंट काउंसिल का होता था, तब मुझे चूज किया गया था. आई हैड लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट, यू नो लाइक द पीपल माई जूनियर्स और क्या बोलते सर उसको, लाइक माई टीचर्स, एवरीबडी लाइक रेस्पेक्टेड मी लाइक फॉर माई कंट्रीब्यूशन और फॉर वट आई डू एंड यू नो सर ऑल दिस थिंग. सो सर लेकिन जब फिफ्थ सेमिस्टर में वैसे के साथ मुलाकात हुआ सर, लाइक वो वहां से लाइक सर छूटता चला गया, यू नो सर लाइक आई वॉज नॉट एबल टू गिव लाइक, क्योंकि सर हम टाइम भी उसी को ही देते हैं जो हमको लगता है कि ज्यादा देना चाहिए हम लोगों को. सो वट आई फील इज लाइक सर, लाइक अभी यहाँ पे तो ज्वाइन किया, देखो सर अभी कॉलेज में रेस्पेक्ट मिल रहा है, लेकिन अगर आपको एक दूसरा प्लेटफॉर्म में रेस्पेक्ट अर्न करना है तो दूसरा प्लेटफॉर्म से आपको थोड़ी देर के लिए रेस्पेक्ट लूज करना ही पड़ेगा. तो सर मेरा अटेंडेंस सर फर्स्ट सेमेस्टर में रहता था, टू बी वेरी फ्रैंक आई डोंट वॉन्ट एनीबडी टू लर्न फ्रॉम मी, बट इन माई फर्स्ट सेमेस्टर, इन माई फर्स्ट ईयर्स ऑफ माई कॉलेज मेरा अटेंडेंस सर 97% 98% ऐसा था सर. लेकिन फिफ्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर ग्रेजुएशन खत्म होते होते सर मेरा दो महीने का अटेंडेंस 8% होता था सर. तो लाइक सर वहाँ पे लाइक थोड़ी देर के लिए हाँ ठीक है रेस्पेक्ट ठीक है हो गया सर, यू नो लाइक नो मोर क्लास रिप्रेजेंटेटिव और नो मोर क्लास रिप्रेजेंटेटिव और कुछ नहीं मिला सर स्टूडेंट काउंसिल में. लेकिन वेस्टिज में लाइक सच्ची में लोगों को मदद करने का, यू नो लाइक मेरे टीम्स लोगों को आगे बढ़वाने का, और नॉट जस्ट टीम बट दोस्त हू एवर कम्स अप टू मी एंड आस्क मी फॉर हेल्प, लाइक आई यूज्ड टू डू दैट. और सर इफ आई टॉक अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ टाइमिंग सर, सर 8 बजे लाइक हमारा ब्रेकफास्ट होता था और 10:30 बजे से सब क्लास शुरू होता था सर. तो हम क्या करते थे सिर्फ ऑनर्स क्लास अटेंड करके, क्योंकि इलेक्टिव इतना खास इंपॉर्टेंट था अटेंडेंस में नहीं होता था सर, एक क्लास अटेंड करके यूनिफॉर्म तो ऑलरेडी पहना हुआ है सर, तो कॉलेज के कैंटीन में या फिर नियर बाई कैफे में सर हमारा दोस्त लोग यू नो लाइक
टी-शर्ट्स यू नो लाइक अमीर घर के लोग यू नो सर निंजा बाइक्स केटीएम बाइक्स यू नो ये सब लेके आते थे. मेरे पास तो सर सच बोलूंगा मैं खुद के गाड़ी खरीदने से पहले वेस्टिज के माध्यम से मेरे पास खुद का साइकिल भी नहीं था सर. सच बोलूंगा सर अगर विश्वास नहीं है आप मम्मी पापा से आगे पूछ लें सर. एक साइकिल भी नहीं था तो कहीं ना कहीं ड्रीम होता था कि सर लाइक मेरे को भी एक दिन यू नो ये बाइक मिलेगा ये मिलेगा. लेकिन कभी नहीं होता था सर हमेशा दौड़ दौड़ के. क्योंकि अगर सर आप लोग शिलोंग के बारे में जानो तो मेरा जहाँ पे हॉस्टल है वहां से जो DLCP है लाइमुखरा में सर इट इज लाइक काइंड ऑफ वेरी लॉन्ग रोड और शिलोंग तो इट्स लाइक काइंड ऑफ हिली टाइप सो इट्स नॉट प्लेन. तो वहाँ पे क्या होता था उतार चढ़ाव बहुत होते थे सर और ट्रैफिक जाम तो बोलो ही मत सर. सो ऐसा होता था कि 10:30 बजे से लेके 11 बजे तक सॉरी 11:45 तक क्लास अटेंड करता था. By 12:30 आई यूज्ड टू रीच लाइमुखरा DLCP और वहां पे पूरा पूरा दिन टिल 5:30 और 5:30 में क्या होता था 6 बजे एट 6 PM इज माई डेडलाइन सो आई हैव टू रीच. अगर 6 PM में हम लोग हॉस्टल में पहुंच नहीं पाए तो सर लाइक हमको वेट करना पड़ता था अंटिल द डिनर इज गिवन. 7:30 हम लोग को डिनर दिया जाता था लेकिन अगर 6 बजे से पहले अगर आप हॉस्टल में नहीं एंटर कर पाए तो आपका पनिशमेंट है कि 7:30 बजे जब तक डिनर नहीं मिलता तब तक हमको बाहर खड़ा रहना पड़ता है. और सिर्फ मैं ही नहीं मेरा बहुत टीम्स भी सर जो हॉस्टल में मेरे साथ वेस्टिज में लाइक एक साथ हम लोग जो काम करते हैं लाइक माई फ्रॉम माई टीम एवरीबडी फेस द सेम थिंग सर. हम लोग समटाइम्स इट बिकम 6:30 जब कंसिस्टेंसी एक्सटेंड होता है या फिर यू नो सर कंसिस्टेंसी का वर्क चल रहा होता है लास्ट डेज चल रहा होता है तो सर लाइक 6:30 कभी कभी तो 7 भी हो जाते हैं सर. तो हम लोग लाइक ग्रुप में बोल देते कि चलो 7 तो बजी गया तो अभी क्या करेंगे कि चलो डांट खा ही लेते हैं. 7 तो बजी गया अभी तो जाने से भी डांट पड़ेगा लेट और ले जाने से भी डांट पड़ना ही पड़ना है. तो सर यू नो वी यूज्ड टू डू सच थिंग्स एंड यू नो सर वी यूज्ड टू मैनेज इन दैट वे. और सर हॉस्टल हमारा कुछ ऐसा था कि काम करके जाओ यू नो लाइक एंड वी हैव टू फैच वाटर. हम लोग को बाथरूम में पहले नहीं मिलता था हम लोग को नीचे जाके यू नो वी नीड टू फैच वाटर एंड bring it to our rooms and you know put it in our drums or hum log aisa karke you know water rakh dena padta tha. So sir it was kind of very tiring too aur hostel ka khana to sab ko pata hi hai kitna tasty hai. So kisi ko Abhijit kisi ko pata ho na ho mere ko pata hai sir like hostel ka khana to itna because tum bol rahe the aur mujhe na apna hostel life apna wo time yaad aa raha tha because वो जो तुम बोले ना कि 6 बजे तक एंट्री है उसके बाद यू आर नॉट अलाउड मतलब अलाउ करेंगे 1 घंटा पनिशमेंट है तुम बाहर ही रहो. तो हम लोग भी वैसे ही करते थे 1 खून करो या 2 खून करो फांसी का सजा तो मिलने वाला है तो और लेट कर देते हैं. रियली दिस इज एक्चुअली वेरी 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 क्या बोलूं मतलब एक सही में एक काम करने का एक जुनून जो होता है ना वो कभी कभार कई जगह पे ना आप अपने आप को पेनफुल कर दे तो कई जगह पे कुछ खुश होने के लिए एक जगह को कभी कभार अपने आप को पेन कर ले तो दैट इज वेरी इंस्पायरिंग. एंड लेट मी सी वी हैव शंकुजीत बैक इन आवर शो. सो गुड मॉर्निंग शंकुजीत एंड गुड मॉर्निंग डियर. एंड अभिजीत मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जितना भी मुश्किल आए बट दोज आर द गोल्डन डेज ऑफ आवर लाइफ. हॉस्टल का वो दिन जिंदगी में हम लोग कभी नहीं भूलेंगे. उसका मजा है. आज जैसे आप बात कर रहे हो देखो उतने प्रॉब्लम्स में भी आज हम लोग हंस रहे हैं. तो मैं भी हॉस्टल लाइफ लीड कर चुका हूँ मुझे भी पता है ये सारे के सारे पेन हमने भी फील किया है लेकिन फिर भी मजा था उन दिनों के अंदर. राइट दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. अभिजीत मैं पूरा का पूरा मीटिंग सुन रहा था एंड गाइज थोड़ा सा कुछ काम था इसके चलते मैं स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं कर पाया. आई रियली सिंसियर अपोलॉजी फॉर दैट. एंड मेनली जो है कि अभिजीत आपने तो किया ये सारा का सारा मेहनत क्योंकि मुझे पता है आपने किस तरह से इन चीजों के ऊपर काम किया मेहनत किया जबकि लोगों के पास बहुत सारे इन चीजों का बहाने होते हैं जैसे कि स्पेशली हम लोग जब नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे लोगों का एक बहाना होता है कि इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो हर 25 किलोमीटर में लोगों का भाषा उनके कल्चर उनके फूडिंग हैबिट एवरीथिंग चेंज हो जाता है. नॉर्थ ईस्ट में तो आई थिंक इट्स इन विद इन द 5 किलोमीटर राइट. तो भाषा के अंदर बहुत चेंज हो जाते हैं लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं यहाँ नहीं जा पाएंगे वहां नहीं जा पाएंगे. इन सारे चीजों को आपने अपने दिमाग से निकाला इन बैरियर्स को तोड़ा और तब जाके आज नॉट ओनली सिर्फ आपके एक या दो स्टेट अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट आपके सब स्टेट पे अंदर मोर ऑर लेस आपका टीम फॉर्मेशन हो गया है. yes, sir. अभिजीत हम जो जानना चाहते हैं एज ए व्यूअर्स जो यहाँ पर हैं कि इन पूरी सक्सेस की जर्नी में वेस्टिज का जो सिस्टम है वेस्टिज की जो एडुकेशन है ये आपको कितने हद तक मदद किया ये कितने हद तक आपको सपोर्ट किया
वेस्टिज के ऑफिस, क्योंकि देखो यहाँ पर जब हम लोगों से बात करते हैं ना तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है, राइट? तो मैं कभी कभार लोगों को समझाता हूँ कि सर आपने जो ऑफिस में जाके बैठते हो ना, ये भी एक सपोर्ट है। कंपनी अगर ऑफिस नहीं दिया तो आपको अपने पैसे से ऑफिस बनाना पड़ता, कंपनी अगर प्रोडक्ट दिया तो ये भी एक सपोर्ट है, नहीं तो आपको खुद से प्रोडक्ट डिजाइन करना पड़ता। आपके जो मैगजीन्स हैं, आपके जो कैटलॉग्स आते हैं, ये सारा का सारा सपोर्ट सिस्टम है। आप बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिलता, और लोग क्या करते हैं अपने मैगजीन ले जाके अपने दिखाते हैं, देखो ये मेरा अपलाइन है 5 लाख रुपया कमा रहा है, आप भी कमा सकते हो। तो भाई एक तरह से तो आप अपलाइन का सपोर्ट ले रहे हो, उनकी फोटो दिखा के आप बिजनेस कर रहे हो, तो दैट्स ऑल्सो वन काइंड ऑफ सपोर्ट। तो ये जो टोटल सपोर्ट, ये जो पूरी सिस्टम कंपनी ने बनाया, ये एक नया इंसान को, क्योंकि यू आर वेरी न्यू इन दिस सिस्टम और आप एक नया बंदा आके यहाँ पर ये सक्सेस पाए हो, तो बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो नए हैं, उनको आप मेरे लिए पूछना है कि आपको इन सारी चीजों ने कैसे मदद किया इस लेवल को अचीव करने में, इस जगह पे पहुंचने के लिए। ओके सर, सर यू मीन सर वेस्टिज का जो सिस्टम, राइट? या पूरा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम। ओके सर, ओके। सो सर पहली बात तो सर मैंने ये जर्नी वेस्टिज का शिलोंग में शुरू किया था, जैसे मैंने पहले भी बोला था सर, और लाइक सर अगर आप लोग आके देखे होंगे जो ओल्ड शिलोंग का ऑफिस है सर, वो ऑफिस मतलब बुरा मत मानिएगा सर, इट वाज लाइक गुस्ते ही खत्म हो जाता है सर, टू बी वेरी फ्रैंक, यू नो लाइक यू नो देयर इज ओनली 2 tables वेयर देयर आर ऑर्डर फॉर्म्स, और गुस्ते ही सर ऑर्डर लोग करते हैं, मीटिंग कुछ नहीं चलता सर, मीटिंग सिर्फ पता नहीं लोग कहाँ कहाँ करते थे, जब मैं शुरू किया था तब तो मुझे नहीं पता था सर लोग मीटिंग कहाँ कहाँ करते थे। सो द ऑफिस वॉज वेरी स्मॉल एंड 3 यू नो अलोंग विद द ब्रांच मैनेजर 3 लाइक फ्रॉम द मैनेजमेंट टीम दे यूज टू लाइक डू द बिलिंग एंड स्टफ। तो सर जब ऑफिस छोटे थे सर लाइक हाँ ऐसा होता था सर बहुत टाइम्स की हम लोग लोगों को बहुत बड़ा बड़ा सपना दिखाते हैं, यू नो वी गिव देम लाइक वी टीच देम हाउ टू ड्रीम बिग, लेकिन जब सर ऑफिस में लेके जाते हैं तो ऐसा एनवायरनमेंट हो जाता है कि लाइक सर ऑफिस छोटा सा ऑफिस को देख के लाइक जो हमने उन लोग को ड्रीम दिखाया लाइक वो लाइक कहीं ना कहीं लाइक वो मैच नहीं कर पा रहा, लेकिन सर हम लोग लाइक जो वेस्टिज का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है सर, उसको पूरी तरीके से हम लोगों ने उपयोग किया सर, वी डिडंट यूज एनी सिस्टम मेड बाय आवरसेल्फ, टोटली फॉलोड वेस्टिज सिस्टम, और सर छोटे ऑफिस होने के बाद भी सर एवरी सिंगल मंथ लाइक हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल स्टार्टेड जॉइनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम को डुप्लीकेट, हर टीम जो मेरे टीम में है हम लोगों ने सब डुप्लीकेट किया, और लाइक वी स्टार्टेड ट्रेनिंग आवर टीम्स, और सर लाइक जब ऑफिस तो छोटा था सर, ट्रेनिंग रूम भी नहीं था सर, तो क्या होता था कि हम लोग वेट करते थे हमारा कॉलेज का क्लासेस कब खत्म हो सर, क्योंकि हमारा जो कॉलेज का सब क्लासेस बाय 4:30 PM खत्म हो जाता है सर, तो 4:30 PM तो पूरा क्लास लाइक खाली हो जाता है, सो वी यूज्ड टू फाइंड क्लासरूम्स कि कहाँ मीटिंग करें हम लोग, तो जो भी क्लासरूम सबसे नीचे वाला फ्लोर में मिल जाए सर खाली, अच्छा कोई आंटी साफ कर रहा हो, कोई यू नो साफ कर रहा हो, तो हम लोग बोलते थे आंटी आप साफ करो, तब तक हम लोग थोड़ा मीटिंग कर ले जब तक आप बंद करके ना जाओ, तो सर वी यूज टू कैप्चर यू नो द कॉलेज रूम्स, आई मीन द डिपार्टमेंट रूम्स जो जहाँ पे क्लासेस होते थे सर, उसको हम लोग इस्तेमाल करते थे, और सर हॉस्टल में लाइक बहुत सारे आई थिंक 40% स्टूडेंट्स इन माई हॉस्टल लाइक एवरीबडी वेयर इन वेस्टिज, सो हमने एक रूम सर मतलब फिक्स कर दिया कि हम लोग को रात पे एवरी नाइट आफ्टर डिनर वी नीड टू मीट, एवरी नाइट एट नाइट वी नीड टू डू ट्रेनिंग, VIP CNT हो जो भी हो लेकिन लाइफ के रिगार्डिंग हो, ड्रीम्स हो, हर कोई शेयर करेगा उस रूम पे, तो वी हैव क्रिएटेड दैट थिंग, और सर स्लोली स्लोली लाइक छोटे ऑफिस से हम लोग बड़े ऑफिस पे शिफ्ट किए सर, बिकॉज टर्नओवर बढ़ने लगा सर शिलोंग का, ब्रांच मैनेजर वॉज वेरी हैप्पी एंड शिलोंग का लाइक ऑफिस बड़ा होने लगा, और बड़ा हुआ सर तो ऑफिस के जो ऑपोजिट वाला एक छोटा सा ऑफिस है उसको लाइक 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 रेंट ले लिया, और वो थोड़ा एक्सटेंड हो गया था सर, लेकिन जहाँ पे लाइक इट वाज लाइक कॉरिडोर सर, वो कॉरिडोर पे हम लोग पूरा चेयर वेयर लगा के हम लोग मीटिंग करते थे सर, हम लोग जब ट्रेनिंग करते थे हमारा ट्रेनिंग हॉल वो रूम का जो रूफ था ना सर, हमारा ट्रेनिंग हॉल का जो रूफ था ना सर, इट वॉज स्काई, इट वॉज नॉट एनी काइंड ऑफ कॉन्क्रीट सीलिंग और नथिंग, वो एक स्काई था सर, वो एक इट वेयर द क्लाउड्स, कभी कभी तो ऐसा होता था सर कि ट्रेनिंग करते करते बारिश आ जाता था, we have to come back in the shade and like still continue doing the training sir, to maza aata tha sir wo sab cheez, aur hum logo team ko bolte the ki aaj suffer kar lo aaj seh lo
आपके हमारे हाथ में है, अभी ये हमारे हाथ में कि हम लोगों को ये ऑफिस को कहां से कहां लेके जाना है, ये हमारे हाथ में, बिकॉज इट इज पीपल्स बिजनेस. लोग ग्रो करेंगे तभी कंपनी ग्रो होगा. सो जस्ट यूज द सिस्टम ऑफ स्टिच दैट इट हैज क्रिएटेड, डोंट यूज एनी सिस्टम ऑफ योर्स, क्योंकि आवर मैनेजमेंट जो हमारा पायलट्स है वेस्टीज का, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट सर, मिस्टर गौतम बली सर, सर दीपक सूद सर, सर ककावर सर, तो वो लोग ऑलरेडी कितना एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी दिमाग लगा के उन लोगों ने सिस्टम बनाया. उसमें हम लोग खुद का और भी दिमाग डाल दे तो सर लाइक वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना सर. एवरीथिंग ओवर द लिमिट इज नॉट गुड सर. तो सर वही हमने टीम को सिखाया कि जो सिस्टम है वही रखो, वो तो तुम सिर्फ चिपकाते जाओ, मैं जो बोलता हूँ वही करते जाओ. सो यू नो लाइक वी स्टार्टेड डूइंग दैट सर. एंड वेस्टेज सिस्टम तो सर लाइक वी डिडंट गिव एनी एक्सक्यूज सर. एक्सक्यूज तो लाइक क्या होता है, लाइक हमने पहचाना ही नहीं सर, जाना ही नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक सर. और टीम को भी वही सिखाने का ट्राई किया था सर, और आज यहाँ पे है सर ऑल टुगेदर ऑफ अस. थैंक यू अभिजीत. अभिजीत मुझे एक चीज, छोटा सा चीज जानना है कि वेस्टेज की जो एडमिशन सिस्टम है, हाउ इट हैज एक्चुअली इंपैक्टेड यू एंड योर एंटायर टीम, एंड and in future what do you think, and the viewers jo yahan pe hain, right, kyunki bahut sare logo ka ye ek bahana hota hai ki training pe nahi, training attend nahi karenge, to Vestige ka hi system ka ek education system hai jisko jo ek management ne bana ke diya aap logo ke liye. Yes sir. But what is your view about that, and what you want to say to the viewer for that education system, because see ek to problem hota hai kuch logo ke liye jo log पढ़ाई छोड़ दी, या फिर जब कोई 40 साल का हो या 35 साल का हो, अभी दे हैव लेफ्ट द स्टडीज फॉर 15-20 इयर्स, राइट, और उसके बाद फिर से वो एजुकेशन सिस्टम में फिर पढ़ना चालू करना, ये बहुत ही मुश्किल होता है. तो हाउ यू एक्चुअली, क्योंकि आपके टीम में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिसको आप बोलते हो कि नहीं एजुकेशन सिस्टम पे आना चाहिए, राइट, जो यंग है जो स्टडीज खत्म करके वेस्टीज में ज्वाइन कर रहे, या फिर स्टडीज करते करते वेस्टीज में ज्वाइन कर रहे, दे आर वेरी इजी एक्सेस टू ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, राइट, तो हाउ यू एक्चुअली, व्हाट इज द इंपैक्ट व्हिच हैज गिवन इन योर टीम एंड अबाउट द एजुकेशन सिस्टम. सर लाइक इन व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन सिस्टम सर, लाइक स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज में सर, सर ट्रेनिंग्स आर द ऑक्सीजन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सर. अगर इस बिजनेस पे टिके रहना है तो ट्रेनिंग्स तो लेना है सर, बिकॉज वो ऑक्सीजन है सर, क्योंकि इट इज अ टोटली न्यू इंडस्ट्री, एक टोटली नया चीज है सर. अगर कोई क्लास लाइक 12 या फिर बोर्ड एग्जाम्स या फिर कॉलेज में डिग्री खत्म भी कर दे, लेकिन वो कुछ भी मतलब वेरी फ्यू थिंग्स कम्स टू यूज, यू नो, व्हेन वी कम टू नेटवर्क मार्केटिंग सर. इट इज अ टोटली डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे जो हमको सिखाया जाता है सर. इट्स नॉट ओनली अबाउट अर्निंग मनी सर, बिकॉज एवरीबडी कम्स इन वेस्टेज, और शुरुआत में लाइक हर कोई आता है लाइक मुझे पैसा चाहिए, ये चाहिए, मतलब एवरीबडी कम्स फॉर ओनली मनी सर. लेकिन वंस वी गेट टू नो व्हाट वेस्टीज टीचर्स अस एक्चुअली सर, तो हमको पता चलता है कि वेस्टीज डजंट टीचर्स अस ओनली हाउ टू लाइक बी गुड और हैव लर्न दैट स्किल टू अर्न मनी, बट सर वेस्टीज हमको लाइक जो इंसान लाइक क्लास के सामने खड़े होके एक मुंह से एक शब्द भी बोल नहीं पाता था सर, वो भी बोलने लग जाता है सर. द बेस्ट एग्जाम्पल इज मी सर. सो हम लोग को स्कूल्स में बोला जाता था, जो एजुकेशन सिस्टम है स्कूल्स में बोला जाता है लाइक टीचर्स से, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स हु आर टीचिंग, कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इक्वल टू अस, यू नो, हर स्टूडेंट इक्वल है हम लोगों के लिए. लेकिन सर मैं पूछना चाहूंगा कि अगर हर स्टूडेंट इक्वल है फॉर द टीचर्स, देन सर जब कोई भी प्रोग्राम्स होता है स्कूल्स एंड कॉलेजेस में सर, व्हाई ओनली फ्यू चोजन स्टूडेंट्स आर चोजन व्हेन इट कम्स टू वेलकम स्पीच, व्हेन इट कम्स टू वोट ऑफ थैंक्स स्पीच गिविंग, व्हेन इट कम्स टू होस्टिंग द इवेंट सर? और दूसरा लोग क्या करते हैं सर, सिर्फ ताली बजाते हैं सर. तो ज्यादातर लोग तो सिर्फ ताली बजाने में ही चले गए, और जब वो लोग रियल लाइफ में घुस जाते हैं, जब टाइम आता है उन लोगों को लाइक रियल लाइफ में पैसा कमाने का, लाइक to show all their skills that they have learned from, you know, like the academics, education system, जो हमको schooling से, college से मिलता है, तो sir, like वो लोग skills है ही नहीं sir, क्योंकि हम लोग ताली बजा के time waste करके आ गए sir सब लोग. तो मैं भी वो ताली बजाने वालों में से ही था sir. और Vestige में आके Vestige ने सिर्फ मुझे ताली बजाना नहीं सिखाया, लेकिन Vestige education system हमको ये सिखाता है कि तुम एक दिन वो स्टेज पे होगे और लोग तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे. So this is one most important thing that we should appreciate
कि वेस्टिज हमको एक ऐसा एडुकेशन दे रहा है, एक ऐसा सिस्टम बना के दिया कि जहाँ पे जो इंसान मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पाता था वो आज लाइक हजारों यू नो लाखों लोगों के सामने लाइक बात कर पाता है. You know, I am not just talking about me, but so many leaders all around our country, all around the world. So, sir, like, ये बहुत like this is what has helped me a lot, and as well as my team, sir. क्योंकि मेरे टीम में ऐसे लोग भी हैं, sir, जो prospect meeting कर, जो not prospect meeting, जो बात करते वक्त हकलाते हैं, sir. You know, like marketing plan बोलते हैं तो अगर normal इंसान 30 minutes लेता है तो like जो मेरा एक downline है वो 45 मिनट्स लेता है. अगर कोई नॉर्मली 30 मिनट्स तो वो 45 मिनट्स लेता है क्योंकि वो हकलाता है. लेकिन सर वो उसका प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया, उसने वो पॉसिबिलिटी, वो जो चांस मिला उसको, जो अपॉर्चुनिटी मिला उसको फोकस किया. तो सर दिस एजुकेशन सिस्टम गिव्स अस दैट गट्स कि नो मैटर व्हाट एवर डिसेबिलिटीज यू हैव, यू हैव टू लुक इनटू दैट डिसेबिलिटी. आपको वहां पे जाके देखना है कि वहां पे क्या एबिलिटी है आपका, क्योंकि डिसेबिलिटी में ही एबिलिटीज छुपा हुआ है सर. दैट इज व्हाट आई बिलीव इन. सो वेसिस गिव्स अस दैट गट्स, द पावर ऑफ दिस लाइक एजुकेशन सिस्टम. वेसिस का एजुकेशन सिस्टम में इतना पावर है कि लाइक हमको वो इतना गट्स देता है सर, लाइक टू थिंक बिग एंड लाइक नॉट टू फोकस ऑन हमारा पास क्या नहीं है, लेकिन टू फोकस ऑन हमारे पास जो है वो लाइक उससे ही हम लोग क्या कुछ नहीं कर सकते, राइट? सो सर दिस इज व्हाट लाइक हैज हेल्प अस. नहीं, मैं हर किसी को एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये बहुत सारे लोगों अभी नया ज्वाइन किए हो, राइट? क्योंकि ये ताली बजाने का जब बात कर रहे थे अभिजीत, तो मुझे अचानक याद आया, मैं बहुत सारे ट्रेनिंग के अंदर भी बोलता हूँ कि ट्रेनिंग के अंदर या फिर कोई भी इवेंट के अंदर जब आप बैठ के तालियां बजाते हो, वो तालियां कभी ना कभी रिटर्न आता है. अभिजीत, दिस गोज फॉर यू बेसिकली. जब तुम स्कूल में बैठे या कॉलेज में बैठे जब तालियां देते थे, आज तुमको देख के लोग तालियां बजाते हैं. दिस इज व्हाट आई मीन टू से, एंड इट्स रियली रियली एन ऑनर फॉर एवरीबॉडी जो लोग यहाँ पे आज सेशन अटेंड कर रहे हैं, राइट? सो अभिजीत, मुझे ना एक चीज ना टीम के रिगार्डिंग पूछना है, राइट? उसके बाद मैं शोएबल के पास जाऊंगा. टीम के लिए ये पूछना है कि मतलब आपके जो अचीवमेंट्स है, राइट, आपकी अभी आज के डेट पे आपके सिलोंग में टीम है, त्रिपुरा में टीम है, यू हैव गॉन टू आसाम आल्सो, इफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी आपकी टीम है, तो टीम का जो अचीवमेंट्स है या फिर टीम का जो आपको रिस्पेक्ट मिलता है, राइट? आज के डेट पे आपकी जो अचीवमेंट्स की बात करें तो वो एक लंबा चौड़ा लिस्ट होगा, क्योंकि 23 साल की उम्र में इतने ज्यादा अचीवमेंट हम लोग नॉर्मल इंसान आज के डेट पे इंडिया में भी कोई नहीं सोच पाता है नॉर्मली, राइट? कोई माँ बाप नहीं सोचता है कि मेरा बेटा 23 साल की उम्र में 1.5 लाख इनकम कर, राइट? ये बहुत ही मुश्किल सा चीज होता है. लेकिन हाउ यू एक्चुअली मैनेज योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर टीम, क्योंकि जब आप टीम के साथ काम करते हो तो आपका एटीट्यूड क्या होता है, आपका मतलब उनको हेल्प करने का जो तरीका होता है वो कैसे होता है? बिकॉज इतने सारे जगह पे टीम बनाना, और देखो टीम बनाना बहुत आसान है लेकिन टीम को चलाना बहुत मुश्किल होता है, राइट? लोग टीम तो बना लेते हैं लेकिन नेटवर्क बनाने के बाद ना वो नेटवर्क चला नहीं पाते, जस्ट बिकॉज द डिस्टेंस इशू या फिर कनेक्टिविटी इशू, राइट? तो आपने क्या ऐसा किया है ताकि लोगों के साथ आप कनेक्टेड रह हमेशा रह पाते हो? क्योंकि मुझे भी पता है कि आप हमेशा उस जगह पे एवरी मंथ तक पहुंच नहीं पाओगे. तो व्हाट आर द इनिशियल डेज जब आप आसाम में टीम किए थे या फिर जब आपने अरुणाचल में टीम किए थे या फिर तिनसुकिया में टीम किए थे, बिकॉज दोज आर ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस रूट्स, राइट? तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो इनिशियल डेज के अंदर? ओके सर, लाइक सर जैसे आपने बोला कि टू क्रिएट टीम इज वेरी इजी बट टू कीप देम इज टफ, लाइक सर. हाँ सर, वो कुछ हद तक सही है सर, क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारे वक्त सर, मेरे साथ भी हुआ था. लाइक मेरा एक जो डायरेक्टर ग्रुप है सर, एक 20% ग्रुप सर, एक लाइन टोटली मर गया सर आफ्टर बिकमिंग ब्रॉन्ज डायरेक्टर सर. तो इट वाज लाइक व्हेन आई वाज इन गोल्ड डायरेक्टर लेवल सर, जब मैं गोल्ड डायरेक्टर में था तब ये हुआ, तो सर यू नो सर टूट गया, बिखर गया. तो लाइक मुझे ये पता चल गया कि लाइक आई सेल्फ इवैल्यूएटेड माई सेल्फ, मैंने खुद को फिर से सेल्फ इवैल्यूएट किया कि ये मेरे साथ क्यों हुआ. तो व्हाट आई फाउंड रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग इन माई सेल्फ वॉज कि सर मैं जो मेरे जो दो डाउनलाइंस था तब, दो विंग्स था, दो नेटवर्क था, आई मीन दो लाइन था, सिर्फ वही दो लाइन में मैं कंफर्टेबल हो रहा था सर. आई वाज लाइक टॉकिंग टू देम, आई वाज लाइक ऑलवेज लाइक विद देम इन द ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स, बट सर जो थर्ड विंग है
कहीं ना कहीं उन लोगों में नेग्लेक्ट करा था या फिर कहीं ना कहीं आई वॉज जजिंग देम बाई सींग देयर यू नो लाइक पीबी नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा. सो सर आई मतलब आई एम सो थैंकफुल दैट मुझे वो समझ में आ गया एज सून एज पॉसिबल और वो गलती फिर से अभी नहीं हुआ सर डेफिनेटली और होगा भी नहीं. और अगर बात करूँ सर कनेक्टिविटी की सर लाइक सर जब हम इस बिजनेस पे सेल्फलेस होके दूसरों के बारे में जेन्युइनली दूसरों का ग्रोथ को सोच के जब हम लोग ये बिजनेस शुरू में तो नहीं होगा सर ये सब लेकिन धीरे धीरे जब इस मैसेज का जो एडुकेशन वंडरफुल एडुकेशन सिस्टम को हम यूज करके जब इस बिजनेस में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सर ये एक आ जाएगा कि वी नीड टू बिकम सेल्फलेस एंड वी नीड टू थिंक अबाउट आवर टीम्स मोर सर. क्योंकि सर अगर किसी को काम सौंप के रेस्पॉन्सिबिलिटी देख के हमने छोड़ दिया सर तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हमने उनको उस काबिल ही नहीं बनाया कि वो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को टैकल कर पाए सर. तो वी नीड टू बी वेरी मच केयरफुल कि सर सर मैं एक ऐसा लाइक इंसान हूँ सर कि मैं सिर्फ मेरे डायरेक्ट डाउनलाइन या फिर जो मेरा डायरेक्ट का जो डायरेक्ट है सिर्फ उनके साथ काम नहीं करता सर. सर आई वर्क विद एवरी सिंगल लाइक इंडिविजुअल फ्रॉम माई टीम हूएवर इट इज सर हूएवर आई कैन कनेक्ट सर. सर मैं दिन में अगर आप मेरा व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करो सर दिन में मैं 80 टू 90 पीपल के साथ टेक्स्ट करता हूँ सर वॉइस मैसेज करता हूँ सर कॉल एक दो से तीन चार पांच दस लोगों से हो जाता है कभी कभी कॉल सर. सो द डे गोस लाइक वेरी मच लाइक सर बिजी क्योंकि हर कोई बोलता है कि मेरे पास यू नो सर टाइम नहीं है वो नहीं है. नहीं सर टीम के लिए टाइम निकालना पड़ेगा. एंड फॉर मी स्पेशली सर जो कनेक्टिविटी आपने बोला जो कनेक्टिविटी बनाए रखने का चीज जो आपने बोला सर जो आपने मेंशन किया सर आई ऑलवेज try to visit my team's home as much as possible sir. agar kisi ke ghar mein mere team ke jo ghar mein agar main ja saka na sir I always find opportunities sir. agar main ja saka to I can see ki un log ka really mein condition kya hai sir life ka. agar koi bol raha hai ki main family background like poor family background se aa raha hu to I want to see taki main dekh ke us cheez ko main like connect kar pau ki mera bhi to yahi hai. agar mera upline ne mera haath pakad ke jab मैं नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं समझता था अगर इस मुकाम तक लेके आया तो अभी मैं भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये है कि इनको मेरे टीम में जो भी है इनको मैं हाथ पकड़ के जो भी हो वो 5% हो 8% हो सर इनकम लाइक हमको देना है टीम के तभी हमारा लाइफ भी बदलेगा सर. सो इनकम फर्स्ट टू द टीम सर इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस ये एक वेस्टिज का एक टैग लाइन है सर. लेकिन जैसे आप ट्रेनिंग में बोलते थे हर बहुत से लोग जब कुछ लेवल्स अचीव कर लेते हैं ना सर तो वो लोग उन लोग का पैर ना सर जमीन में नहीं रहता सर वो लोग उड़ रहे होते हैं सर. सो आई डोंट बिलीव इन दैट सर कि स्टार डायरेक्टर बन गया यू नो 1.5 लाख का चेक एवरेज में आता है. सो इसका मतलब ये नहीं कि सर कि मैं मेरा जो गाड़ी खरीदा हुआ है उसको लेके घूमते रहूं शो ऑफ करते रहूं. नहीं सर लाइक वो गाड़ी किसके वजह से आया सर माई अपलाइन एंड माई टीम सर और जिसके वजह से और मेरा भी हार्डवर्क है सर लेकिन जिसके वजह से जिसके सपोर्ट से लाइक आपको जो अभी ये अचीवमेंट्स मिल रहे हैं सर उनको अगर आप जिस आफ्टर यू रिसीव अचीवमेंट योर इंडिविजुअल अचीवमेंट अगर छोड़ दे तो सर इट इज अ वेरी लाइक इट इज रियली नॉट गुड फॉर मी अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट रियली लाइक व्हाट आई एक्चुअली लाइक टू डू सर. सो नो मैटर व्हाट सर सर दिवाली था लास्ट ईयर जो दिवाली था सर लास्ट ईयर भी लाइक मैं हर कोई पेरेंट्स के साथ दिवाली यू नो मनाता है फैमिली के साथ लेकिन सर आई वॉज ट्रैवलिंग इन दिवाली लोगों को देखता हूँ पटाखे फोड़ते हुए फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए अच्छा खाना खाते हुए एक साथ फैमिली लेकिन सर आई वॉज ट्रैवलिंग इन अ बस गोइंग टूवर्ड्स यू नो सम डेस्टिनेशन फॉर ट्रेनिंग सर. सो आपको हमेशा हम लोगों को हमेशा ऑलवेज रेडी रहना चाहिए जब भी आपको टीम आप लाइक टीम्स आर आवर लाइक हमारा टीम्स हमारा लाइक बेटा या बेटी जैसा होता है सर. टू बी वेरी फ्रेंक अगर हम उस नजरिए से देख के अगर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लें तो सर डेफिनेटली यू विल नेवर लूज फेथ यू विल नेवर लूज होप एंड यू विल नेवर गेट डिमोटिवेटेड सर. एक चीज जो हमेशा यूथ से सुनने को मिलता है आई गेट डिमोटिवेटेड. डिमोटिवेटेड क्यों होता है सर क्योंकि आपने आपका टीम्स का जो ड्रीम है उनको खुद का ड्रीम माना ही नहीं. आपने जो आपका ड्रीम है गाड़ी लेना ऑडी बीएमडब्ल्यू लग्जरी कार लेना है हाँ अच्छा है लो लेकिन खुद का प्रॉब्लम पहले देखो घर में क्या चल रहा है. घर में खुद का घर ही नहीं है ऑडी मर्सिडीज वहां पे पेरेंट्स को थोड़ी ना बिठाओगे. पहले जो घर में रियल प्रॉब्लम चल रहा है उसको खुद का ड्रीम बनाओ उसको लाइक जल्द से जल्द सॉल्व करने को ट्राई करो. उसको सॉल्व करने के बाद यस डू व्हाट एवर यू वांट गेट व्हाट एवर यू अचीव राइट सर. सो सर मैं एक छोटा सा स्टोरी शेयर करना चाहूंगा जो रियल स्टोरी है. जब मैं लाइक लास्ट ईयर जब जुलाई जून में था सर लाइक माई बोथ माई मॉम एंड डैड यू विल नॉट बिलीव सर मैं ट्रेनिंग से आता था सर
कॉल आता था मम्मी से रोके कि लाइक ये चेकअप करवाने आया था तुम्हारा पिताजी का, लेकिन सोचा था मैं भी करवा के जाऊं, लेकिन क्या हुआ कि मेरे लाइक ओवरीज पे यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा बड़ा ट्यूमर हो गया सर. तो सडनली लाइक कॉल आया कि सडनली अर्जेंटली 2.5 लाख चाहिए. तो सर अगर ये नहीं होता, अगर वेस्टीज का प्लेटफॉर्म मेरे पास तब नहीं होता ऐसे स्टूडेंट, मैं कहीं ना कहीं एमए कर रहा होता सर, मास्टर्स कर रहा होता, तो उसमें मैं हॉस्टल में बैठ रहा होता, उसमें उस वक्त में अगर करना भी चाहूं तो क्या कर पाता सर, कुछ नहीं कर पाता. सो आई व्हेन आई स्टार्टेड वेस्टीज आई हैड दिस थिंग कि जब इमरजेंसी सिचुएशंस आए मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो कि मैं कुछ ना कर पाऊं मेरे फैमिली के लिए. तो आई थॉट फ्रॉम बिफोर बिकॉज वी डोंट नो, ये हमारे हाथ में नहीं, ये भगवान के हाथ में, पता नहीं वो कब आपके सर पे कोई कुछ ठोक दे, यू नो. सो लाइक यू नो लाइक सो आपको हमेशा फ्रॉम बिफोर रेडी होना पड़ेगा. सो दिस इज व्हाट आई ट्रेन माय टीम एज वेल. अभी तुम्हारा फैमिली में सब लाइक हेल्दी है, सब ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाइक हमेशा ऐसे ही रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट फ्रॉम नाउ. सो दैट इज व्हाट कीप्स मी मोटिवेटेड एंड दैट इज व्हाट कीप्स मी कनेक्टेड सर विद देम. एंड आई ऑलवेज लाइक टू बी वेरी फ्रैंक, जो मैं कमाता हूँ सर, यू नो, इन्वेस्टिंग टाइम एंड मनी, whatever you earn with your team, sharing, you know, the money with your team, whether it is in terms of lunch, having lunch together, dinner, or ghar pe hi kuch na kuch bana ke jo hota hai na sir, so aisa bond rakhte hai sir, aur wo like this is what is helping us sir. Isiliye tere se bahut sare party due hai abhi sir, aap milega sir lockdown ke baad. Anyway, yeah, Shubal. हाँ अभिजीत, एक चीज मतलब एक्चुअली मेरा दो क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं बहुत ये जानना चाहता हूँ. तो फर्स्ट जैसे कि एज ए यूथ कंट्री भी हम लोग का यूथ है, वेस्टीज भी हम लोग एज ए यूथ को सपोर्ट करते हैं, हम लोग प्रमोट करते हैं हमेशा. तो एज ए यूथ मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा शेयर करो आपके मतलब हम लोग के साथ कि ये दो साल में अपने मतलब वेस्टीज से अचीवमेंट क्या क्या किया. और जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है वो है कि देखिए बिजनेस है, हम लोग हमेशा मानते हैं कि अप्स एंड डाउन्स रहेगा, लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, बट आई वांट टू नो व्हाट आर द थिंग्स दैट कीप्स यू मूविंग, मतलब आपको कौन सा चीजें है वो हमेशा आपको मोटिवेट करके रखते हैं. तो ये दो चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूँ. ओके सर. तो सर अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूँ सर, लाइक आई विल जस्ट लाइक वेट इन टू नंबर्स. तो अगर मैं फर्स्ट अचीवमेंट जो मैंने मेरे लिए सर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सर पहला चीज तो ये ही कि सर आई एम द ओनली सिंगल चाइल्ड इन माय फैमिली. मुझे कभी भी सर खुद का एक छोटा भाई होना, खुद का एक छोटी बहन होना, खुद का एक दीदी या खुद का एक बड़ा भाई होना, सर दिस थिंग आई हैव नेवर लाइक रिसीव एनफ लाइक काइंड ऑफ व्हाट टू से सर लव या फिर कुछ भी हो सर, क्योंकि मैं I used to get jealous सर, जब मैं दूसरों को देखता हूँ, उन लोगों का यू नो सिस्टर्स है, ब्रदर्स है, यू नो लाइक own brother, own elder brother, own elder sister, जो मम्मी नहीं भी हो फिर भी टेक केयर करते हैं सर, आई यूज टू गेट जेलस विद दैट दोस थिंग्स अ लॉट सर. तो हमेशा यू नो मुझे ऐसा लगता था कि सर समथिंग आई एम मिसिंग इन माई लाइफ. सो लाइक वंडरफुल लाइक भगवान भी लाइक सुना, टू बी वेरी फ्रेंक सर, क्योंकि मैंने वो चीज मांगा बार बार डेफिनेटली सर. तो वैसे से मुझे फर्स्टली लाइक यहाँ पे जो मेरे लिए सर सबसे बड़ा अचीवमेंट दैट आई फील द मोस्ट सर, लाइक apart from the checks or apart from the cars or whatever income jo bhi kamaya sir, lekin I always want to and I forever will keep this in my number one, like in my list, yes, hamesha number one pe rahega. Aur wo cheez hai sir, my team sir, that is the biggest achievement sir, and my teams in the form of my brothers and sisters and my friend. Mere team mein abhi jo bhi log hain sir, I don't look at them just like a downline, not just like a team sir, but as my own family, as my own brother and sister. और हम सबको तो पता ही है सर, जब हम किसी को खुद का एक बहन, खुद का एक दीदी, खुद का एक भैया, खुद का एक छोटा भाई समझ के सर इस काम को शुरू करेंगे सर, देन डेफिनेटली लाइक ऐसा कुछ दिन नहीं होगा कि आप डिमोटिवेट हो सर. तो द फर्स्ट अचीवमेंट दैट फॉर मी इज द माय टीम एंड द वंडरफुल लाइक इसके बगैर तो मेरा लाइक ये कंप्लीट ही नहीं होगा. तो माय टीम and my appliance sir, क्योंकि मेरा appliance आज अगर नहीं होते सर, then like आज सर ये जो suit मतलब जो blazer पहना हुआ है सर, ये पहनने का सर औकात भी नहीं होता सर, सच बोलूंगा सर. आज जो चश्मा पहनता हूँ सर, ये like it's like of 5000 rupees sir. So ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले ये सब चीज मतलब forget about lakhs of rupees,
सर 100 रुपए कमाने का औकात नहीं था, लेकिन कहां से कहां अप्लायंस लोगों ने लाके खड़ा कर दिया सर. सो आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल. सो दैट इज व्हाट आई वांट टू शेयर टू ऑल द यूथ्स, दैट आपका अपलाइन आपके लिए अच्छा सोचता है. और एक चीज बोलूंगा, नेवर शो एटीट्यूड, ऑलवेज शो ग्रेटिट्यूड. तो हमेशा ग्रेटफुल रहना अपलाइंस को, और नॉट जस्ट अपलाइन, लेकिन अपलाइन होता कौन है? हाँ, आपको जो बिजनेस में लाया वो अपलाइन होता है, और जो बिजनेस में, जैसे आज हमारे साथ सर राजीव है, सर शहबाज सर है, सर शंकरजीत है, आप सब भी अपलाइंस ही हो सर. दैट इज व्हाट आई बिलीव इन. सो दैट इज वन ऑफ माय बिगेस्ट अचीवमेंट, दिस बॉन्ड, दिस फैमिली सर, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा वेस्टीज पे फर्स्ट. क्योंकि अगर ये लोग ही नहीं है तो सर गाड़ी क्या चीज, इनकम क्या चीज, कुछ भी नहीं है सर. सो फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ माइन इज माय वंडरफुल टीम एंड माय वंडरफुल अपलाइन एंड सर ऑल ऑफ यू. सेकंड अचीवमेंट, इफ आई टॉक, देन आई परचेज्ड अ कार व्हेन सर इट वाज 30th ऑफ सितंबर सर, 30 सितंबर सर. इट इज अ वेरी स्पेशल डे सर, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू. 2018 के ब्रॉन्ज डायरेक्टर सर, 2018 you know 30 September I became a bronze director. 2019 30 September I bought my car sir, Honda City, जो 15 लाख रुपए का है सर. बड़ी बात वो नहीं है, लेकिन बड़ी बात यही कि सर लाइक आई एम द फर्स्ट वन लाइक आई थिंक अमॉन्ग माई ट्राइब और अमॉन्ग इन माई डिस्ट्रिक्ट टू बी लाइक बाइंग दिस 15 लाख रुपीज सर. अभी इस गाड़ी का चाबी सर टीम की वजह से, अपलाइन की वजह से सर, यू नो द मैनेजमेंट, एवरीबडी, भगवान की वजह से सर आज ये मिल पाया सर. द थर्ड इज लाइक इनकम इन सिक्स फिगर्स सर. बहुत से लोग टेंस्ड है, बहुत से लोगों का नौकरी चला गया यू नो बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक राइट सर. सो लेकिन वेस्टिज में इतना ताकत है कि सर मार्च से लेके, मार्च में हम लोग का टीम से हम लोग को मनाली पे लेके गए थे, यू नो लाइक हु अचीव लाइक जिसने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया, वो खुद का टीम का जो यू नो ट्रिप्स होते हैं. तो मार्च महीने में लाइक हाफ ऑफ द मंथ आई वाज आउट फ्रॉम वर्क, आई वाज गोइंग एंड एंजॉयिंग एट मनाली, और दिल्ली में भी लाइक 2-3 दिन रह के आए सर. लेकिन फिर भी इनकम लाइक मोर देन 1 लाख आया सर. सो दिस इज द पावर सर ऑफ वेस्टिज. लाइक एक बार आप एक सिस्टम से एक टीम क्रिएट करो, एक स्ट्रॉन्ग टीम क्रिएट करो, एक पर्पस खुद का और अपना टीम्स का बिल्ड करो सर, तो ये पावर है वेस्टिज का कि आपको, आप जब सोते हो, जागते हो, जो भी करते हो, तभी भी आपका इनकम आता रहेगा सर. सो द थर्ड थिंग इज लाइक माय अचीवमेंट इज द थर्ड अचीवमेंट ऑफ माइंड टू बी वेरी फ्रैंक इज द 6-figure इनकम. ओके सर. और द फोर्थ अचीवमेंट दैट आई फील इज लाइक earning that respect from my mom and dad. क्योंकि पहले like sir to be very frank I was very bad sir, खराब से खराब बोल लो आप, I was very bad in like studies, academics. लोग जितना भी पढ़ूं लेकिन कभी भी 65-75 से ज्यादा मेरा marks नहीं आया sir. सच बोलूंगा sir, average student, सच बोलूंगा. दिखने से लगता है कि कोई दिखने से बोल देते कि अभिजीत तू तो doctor जैसा लगता है, लेकिन वो totally है ही नहीं sir. तो like यू नो पढ़ाई लिखाई में बहुत खराब था सर. तो हमेशा क्योंकि इंडियन लाइक कल्चर में ऐसा होता है कि जब सर मम्मी पापा लोग बोलते हैं जोर से पढ़ मतलब ऐसा करके जोर से पढ़ो, तो मतलब सर जोर से पढ़ना पड़ता है, नहीं चाहते फिर भी पढ़ना पड़ता है, तो कंपटीशन लग जाता है वो जो नेबर्स का बेटा या बेटी है और मैं, यू नो जोर से पढ़ और पढ़ते पढ़ते जोर से जितना एफर्ट लगा दो जोर से पढ़ना या जो भी करना, समझता कुछ नहीं हूँ, एग्जाम जाके देता हूँ, लेकिन मार्क्स फिर भी वो पड़ोसी के बेटा या बेटी से कम ही आना था सर. सो ऑलवेज बीइंग लाइक टोल्ड बाय माय पेरेंट्स कि लाइक तू मतलब चिंता लगता है तेरे लिए, तू क्या करेगा बाद में, पता नहीं नौकरी मिलेगा कि भी नहीं, ये नहीं. सो ऑलवेज आई हैड दैट डाउट इन माय सेल्फ सर कि सच में क्या ऐसा है क्या, लाइक और कुछ नहीं है करने को, इज इट ओनली लाइक आई नीड टू बी गुड इन स्टडीज और लाइक ओनली मार्क्स ग्रेड्स अच्छा आना चाहिए. तो आई फेल्ट वेरी लो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन माय लाइफ व्हेन आई वाज like in class 10, 11, 12, ऐसा में like बहुत tension होता था sir, to be very frank, thinking about life. I was always a boy who always thinks about future, to be very frank. क्योंकि sir, अगर आपके साथ कुछ like बचपन से कुछ, अगर आपके साथ कुछ खराब experiences हो, like एक बार ऐसा भी हुआ था कि पापा को
पापा ने लाइक क्रेडिट लिया था दुकान से. हम लोग बोलते ना सर, बंगाली में बोलते हैं ना कि बाकी दुकान से बाकी लिया ना सर. तो पापा ने लिया तो पापा चुका नहीं पाए टाइम पे, तो दुकान मालिक ने आके घर पे भी आके गाली दिया, बहुत कुछ दिया. तो मैं तब खाना खा रहा था, तो हजम नहीं हुआ कि लाइक पैसे की वजह से कोई आके ऐसे ही मुंह उठा के गाली दे के चला जाता है. तो मैं उस टाइम, मेरा टू बी वेरी फ्रैंक, इट वॉज माई टर्निंग पॉइंट. क्योंकि मैं जब छोटा था, जब मैं अराउंड क्लास 7 में था, तभी मेरे पास ये वो आ गया था सर कि कुछ ना कुछ बड़ा करना है. बट आई वॉज नॉट हैविंग एनी आइडिया, बड़ा तो करना है लेकिन क्या करना है आई डोंट नो दैट. लेकिन सो थैंकफुल टू माई फ्रेंड माई अपलाइन ऑल्सो एट वेस्टिज मिस्टर डेनिस डेबरमा सर, ऑलवेज ग्रेटफुल टू हिम फॉर वट एवर ही हैज गिवन मी एंड डन फॉर मी. आज अगर वो नहीं होता तो मैं नहीं होता. सो यू नो ऑल थैंक्स टू यू सर, एंड लाइक दिस इज वट लाइक आई हैव अचीव एज ऑफ नाउ सर, यू नो थ्रू वेस्टिज. और अगर सर कैन आई आस्क यू द सेकेंड क्वेश्चन सर? हाँ, मैं जो दूसरा चीज जो पूछ रहा था मैं आपसे कि मतलब जैसे कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स रहता है, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट कीप्स यू मोटिवेटेड और कीप्स यू गोइंग? ओके सर. सर जैसे बिजनेस में जैसे आपने बोला अप्स एंड डाउन्स रहते हैं सर, ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता, ये दूसरे और बिजनेसेस में भी होते हैं. जैसे अभी सर लॉकडाउन हो गया ना सर, तो जो फास्ट फूड का स्टॉल है, जो होटल्स है, यू नो एनीथिंग एनी बिजनेस सर नीचे चला गया ना सर, इकोनॉमी डाउन चला गया, सबका बिजनेस पूरा चौपट हो गया सर, अप्स एंड डाउन. वेस्टिज में भी जब लॉकडाउन हुआ था तो पीपल वेर नॉट एबल टू फिगर इट आउट बिकॉज वी वेर नॉट रेडी सर कि हाउ टू डू ऑनलाइन जूम इन दिस एंड दैट. तो जब लॉकडाउन हुआ तभी हमको धीरे धीरे पता चलने लगा, तो सर फिर से बिजनेस मोमेंटम में आ गया अभी तो. बट जैसे अप्स एंड डाउन होते तब देखो सर, एवरी पीपल लाइक जैसे हम लोग अभी इस स्टेज पे हैं, तो हाँ हम तो सह लेंगे अप्स एंड डाउन्स क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया. लेकिन जो लोग जो टीम मेंबर्स जो नए ज्वाइन करते हैं, तो उनको तो एक्सपीरियंस नहीं होता सर. तो आपको हमको क्या करना पड़ता है कि देखो सर, बच्चा जितना छोटा होता है उनके साथ उतना ही पास रहना पड़ता है सर. ऐसा नहीं कि बच्चा छोटा सा है तो हम लाइक दूर दूर सोने दो इसको, सुला के ऐसे ही रख के चले जाए, तो ऐसा लाइक इट इज वेरी डेंजरस थिंग ना सर. सो व्हाट आई बिलीव इन इज लाइक बच्चा जितना छोटा होता है उतना ही उसके साथ रहना होता है, उतना ही केयर, उतना ही लव देना पड़ता है. सो सेम थिंग सर, जो नया डाउनलाइन ज्वाइन करते हैं आपको उनके साथ उतना ही टाइम बिताना पड़ता है, उतना ही वो करना पड़ेगा, तभी आप उन लोगों को इस सिचुएशन में या फिर अप्स एंड डाउन जब चलता है बिजनेस में, तब आप मदद कर पाएंगे उनको और वो भी खुद जान पाएंगे आपको देख के सीख के कि हाँ इस अप्स एंड डाउन में कैसे हम खुद को एक लाइक खुद को एक ऐसा करके हम लोग खुद को काबिल बना दें कि हम इस अप्स एंड डाउन्स में भी हम लोग खुद को संभाल सके, राइट? सो दिस इज व्हाट लाइक कीप्स लाइक सर. तो मोटिवेट तो होता हूँ सर. क्यों होता हूँ? क्योंकि बिकॉज हर रोज टीम के साथ कनेक्ट रहता हूँ और हर रोज वो लोग लाइक जस्ट मोटिवेटेड नहीं रहते, वो लोग एक्शन भी करते हैं सर. बिकॉज व्हाट आई बिलीव इन इज सर, नॉलेज इज लाइक ऑफ नो यूज इफ वी डोंट इम्प्लीमेंट इट सर, राइट? सो इन्फॉर्मेशन विदाउट इम्प्लीमेंटेशन doesn't bring transformation sir. So like you know sir, information when you implement it, then only you like can bring transformation in your life. So this is what it is sir. So it keeps you motivated sir. Regarding this product, so in Bangladesh we have a thank you so much Abhijit. Thank you Sevan. Abhijit, ek final question karenge before we compile it up, and that is I just want to want you to have some मतलब कुछ वर्ड्स फॉर द व्यूअर, जो भी तुमको अभी आपको अभी देख रहे जूम के अंदर, फेसबुक के अंदर, यूट्यूब के अंदर, व्हाट इज द व्यू रिगार्डिंग एन यूथ, रिगार्डिंग ए राइजिंग स्टार, व्हाट मैसेज यू वांट टू पुट फॉर द व्यूअर? ओके सर, तो जो अभी इस ट्रेनिंग को लाइक इस सेशन को जो सुन रहे हैं, फॉर मी एवरीबॉडी इज यूथ सर, वी ऑल आर यूथ. ओके, youth is not like it doesn't matter ki aap 20 years ke ho ya fir 40 years ke ho, jo bhi hai, jo bhi life mein kuch bada karna chahta hai, and who thinks that it is still not too late, they are all youth. So we all are youth here. So one message sir for everyone, I will just share it through one example, and that is like sir, sir humne bahut baar dekha ki ghar pe, you know sir, bahut log like kya bolte usko, birds na sir, like parrots and all these different kind of birds लोग लाइक केज के अंदर डाल के वो लोग पालते हैं सर, राइट? तो इफ आई टॉक अबाउट दैट लाइफ ऑफ दैट बर्ड सर, अगर उस पक्षी का मैं बात करूं जो लाइक क्या बोलते हैं उसको, केज के अंदर जो बंद है, तो सर उसका लाइफ में कुछ टेंशन है ही नहीं सर, क्योंकि
हर लाइक टाइम टू टाइम खाना मिल रहा होगा, क्योंकि कोई प्यार करके लेकर आया सर, पाल रहे, तो डेफिनेटली खाने के लिए टेंशन तो नहीं है सर. यू नो टाइम टू टाइम खाना मिलेगा और लव मिलेगा, एवरीथिंग दे विल गेट. बट सर एक मतलब जो दुख भरा चीज मुझे लगता है कि जिंदगी भर तक मरते दम तक उस चिड़िया को, उस बर्ड को उसी केज के अंदर मरना पड़ेगा. लेकिन सर वही सेम चिड़िया जो जंगली चिड़िया है, वही सेम, सो वही जंगली चिड़िया, वही जो ब्रीड का जो चिड़िया है, अगर वो उड़ रहा है कहीं और वो उड़ के आता है बेल्कनी पे और पूछता है उससे, तू केज में क्या कर रहा है, मैं तो मजा कर रहा हूँ लाइफ, मेरे को तो खाने के लिए टेंशन होता ही नहीं, यू नो मुझे तो लाइक आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम यू नो रिगार्डिंग फूड दिस एंड दैट. तो क्या होता है कि लाइक कंफर्ट जोन में होता है वो बर्ड जो केज में रहता है, क्योंकि खाने का कोई टेंशन नहीं सर, कंफर्ट जोन में रहते हैं. लेकिन सर एक चीज बोलूंगा सर, आप जब अगर केज में जो अगर वो बर्ड जो है अगर केज में 100 साल भी जिंदा रहे ना सर, लेकिन जो बाहर का जो चिड़िया है ना सर अगर वो 30 साल भी जिंदा रहे, देन आई वुड प्रीफर की 30 years इज मच मोर बिगर लाइफ देन दैट बर्ड हु इज इन द केज विथ कंफर्ट जोन, यू नो हु इज सर्वाइविंग फॉर 100 years सर. तो यू नो तो सर ये बोलना चाहूंगा कि जहाँ पे कंफर्ट जोन होता है वहां पे जिंदगी लंबा होता है, लेकिन जहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल यू जहाँ पे अनकंफर्टेबल जोन होता है वहां पे जिंदगी बड़ा होता है. तो आई जस्ट वांट टू टेल ऑल द यूथ कि जिंदगी को लंबा मत बनाओ, जिंदगी को बड़ा बनाओ. और अगर जिंदगी को बड़ा बनाना है तो एक ही प्लेटफॉर्म अभी के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, वैशिष मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड. सो इतना ही बोलूंगा सर कि जिंदगी को लाइक लंबा नहीं बनाना है, जिंदगी को बड़ा बनाना है सर. 100 साल जेल में काटने से अच्छा सर 30 साल बाहर ही जाके काट लो सर, वही बेहतर है ना. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू थ्रो अ मैसेज टू ऑल ऑफ यू, क्रॉस लाइक थ्रो योर बाउंड्रीज, ब्रेक योर बाउंड्रीज और लाइक अंडरस्टैंड दिस सिस्टम और आके यहाँ पे हमारे साथ हमेशा लाइक वील ऑलवेज वेलकम यू, कम लेट्स जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड लेट्स वर्क टुगेदर एंड क्रिएट वंडर्स अमंग ऑल द यूथ और ऑल बी इंस्पिरेशन बन के हम सब लोग, सिर्फ मैं नहीं और भी राइजिंग स्टार्स आज के डेट पे या फिर आने वाले दिनों में और भी होंगे. सो थैंक यू सो मच सर. ओके सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अभिजीत फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स. और देखो दिस इज हाउ एक्चुअली पीपल ग्रो राइट. और मतलब अगर आप अभिजीत की अभी जो आपने ये सब चीजें सुने की अचीवमेंट्स है, लेकिन लोग अचीवमेंट्स तो देखता है लेकिन वो कभी अपने पास्ट को भी भूल जाता है राइट. उसकी जो तकलीफें हुआ था वो लोग भूल जाते हैं. सो दिस इज अगेन ए रिमाइंडर फॉर एवरीबडी कि आपको अभी अगर पेनफुल सिचुएशन से जा रहे हो राइट, अगर आपको अभी लोगों से बात करने के प्रॉब्लम हो रहे, सिस्टम के ऊपर भरोसा रखिए, एडुकेशन सिस्टम के ऊपर भरोसा रखिए, मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा रखिए राइट. आप अपना 100% देने की कोशिश करोगे, कोशिश नहीं 100% देना स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट समथिंग ऑन द अदर राइट. कुछ ना कुछ अच्छा हाथ में मिलेगा एंड दैट इज ऑलवेज ए प्रूवन थिंग जो आपके पास अभी है. मिस्टर अभिजीत जमातिया जो आज के डेट पे एक स्टार डायरेक्टर है एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ ए लार्जर टीम एंड जिसका इनकम करीबन 1.5 लाख रुपए पर मंथ है बीइंग ए स्टार डायरेक्टर. सो दिस इज व्हाट एक्चुअली आई थिंक कि हर किसी को इंस्पायर करते क्योंकि ये एक सही में एक उभरता हुआ तारा है, सितारा है जो एक्चुअली आने वाले दिन में और भी ज्यादा आग उगाने के लिए तैयार है. सो जस्ट टू से बिग थिंग दैट इज थैंक यू सो मच अभिजीत फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स. और जो आप लोग जो आपने आपने अभी जो कहा राइट, ये सही में एक इंस्पायरिंग चीजें है लोगों के लिए. So thank you so much everybody and thank you so much Avijit, thank you so much Shoibal and thank you so much Shankojit for your presence right. And usi ke sath main har kisi ko last mein ek final cheez bolna chahunga, aise hamesha logo ke sath logo ki baatein sun apne aap ko inspire karo aur apne aap ko taiyar karte raho, because jaise Shankojit hamesha bolte seekhega India to badhega India right. Thank you so much, wish you well and God bless you. Thank you.